कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया दोस्तों, आगे भी बढ़िया रहे। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ गाइस बहुत ही अच्छा होली का फ्री सेट, जैसे कि आप लोगों ने प्रीव्यू में देख के पता कर लिए होंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप लोग को मालूम होगा कि यहाँ पे हाल ही में जो है होली आने वाला है, तो इसके लिए यहाँ पे जो है स्टेटस ना आए उसके ऊपर तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अगर आप लोग अपने फोटो का इस पर स्टेटस बनाना चाहते हैं बहुत ही इजीली, जैसे कि आप लोग को पता ही होगा मेरे चैनल पे जितने भी यहाँ पे एडिटिंग आता है वो सबसे ज़्यादा इजी होता है, ठीक है, बनाना। तो अगर आप लोग भी अपने फोटो का बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखना, और चैनल पे नहीं हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी टाइप का आपको इस चैनल पे एडिटिंग मिलता रहेगा। सबसे पहले दोस्तों इसके लिए आपके पास एक एप्लीकेशन होना चाहिए लाइट मोशन, और डिस्क्रिप्शन में आपको तीन लिंक मिलेगा, प्रीसेट का, एक से एक इफेक्ट और मॉडल वीडियो का। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए मैं यहाँ पे लाइट मोशन को ओपन करता हूँ, और फर्स्ट में यहाँ पे प्रोजेक्ट सेक्शन में आपको यहाँ पे इंपोर्ट करने के बाद होली बीट मार्क करके आएगा, तो इसको आपको ओपन कर लेना है। ठीक है, सो जैसे ओपन करेंगे यहाँ तो आप लोग कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ सॉन्ग रहेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ भी यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। तो आपको ऐसा इंटरफेस आएगा, इस तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, सबसे फर्स्ट में आपको अपना एक इमेज ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, यहाँ पे मीडिया पे क्लिक कर देना है, तो आपका गैलरी ओपन हो जाएगा। यहाँ से कोई भी इमेज ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ तो इसको करूँगा। थ्री डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे फिल कंपोजिशन एरिया पे क्लिक कर देना है। करने के बाद आपको गाइस एक बार बैक कर लेना है, इमेज पे क्लिक करके इस एरो पे क्लिक करना है और आगे का पार्ट ट्रिम कर लेना है। फिर गाइस यहाँ पे प्लस के आइकन पे जाना है, मीडिया पे जाना है, दूसरा इमेज ऐड करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया कर देना है, एरो पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जैसे थोड़ा सा छोटा आएगा तो एरो पे और एक बार क्लिक करना है, इमेज पे क्लिक करना है और इस बटन पे क्लिक करना है, तो एरो तक यहाँ पे आ जाएगा बीट मार्क तक इमेज। ठीक है, सो इसी प्रकार से यहाँ पे आप लोग जितना भी इमेज चाहिए होगा बीट मार्क के हिसाब से उतना इमेज आप लोग ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं और एक इमेज ऐड कर लेता हूँ, एरो पे क्लिक करना है और आगे का पार्ट ट्रिम कर लेना है। सो इस यहाँ से यहाँ तक आपको वीडियो ऐड करते जाना है। ठीक है, तो जितना चाहिए होगा गाइज उतना आप लोग ऐड कर लीजिएगा, जैसे कि दोस्तों यहाँ तक आपको ऐड कर लेना है 8 सेकंड तक। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देखते हैं आपको मैंने एक टैग दे रखा है नीचे मॉडल वीडियो। ठीक है, तो ये वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो फिर आप अपना वीडियो भी यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग इस प्रकार का वीडियो बना के अपना वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों मेरा अपना वीडियो नहीं है तो मैं दूसरे का वीडियो ऐड कर लूँगा। प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है, जैसे कि दोस्तों ये रहा वो वीडियो, तो इसको आपको यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करके ऐड करना है। देन गाइज आपको ऊपर आ जाना है, ठीक है, वीडियो पे क्लिक करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे गाइज देखते हैं फुल स्क्रीन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको आगे आना है। ठीक है, आगे आने के बाद गाइज यहाँ पे एरो पे क्लिक करना है और आगे का जो पार्ट है गाइज इसको यहाँ से ट्रिम कर देना है, जैसे कि नीचे देख सकते हैं यहाँ पे गाइज टैग में यहीं तक है। ठीक है, तो इतना आपको वीडियो रखना है, यानी कि 8 सेकंड से गाइज 14 सेकंड तक आपको वीडियो रखना है। फिर गाइज आपको करना क्या होगा, इधर से आगे आपको फिर से इमेज ऐड करना है। ठीक है, तो प्लस आइकन पे जाना है, मीडिया पे जाना है, और यहाँ से गाइज फिर से आपका गैलरी ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आपको अगला वीडियो यहाँ पे अगला फोटो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, सो चलिए मैं यहाँ पे फोटो फटाफट से ऐड कर लेता हूँ गाइज इसी प्रकार, और आगे का पार्ट आपको ट्रिम करते जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं गाइज बहुत सारे बीट मार्क है, तो इतना फोटो आपको ऐड कर लेना है। ठीक है, तो पहले से मैंने ऐड कर रखा है गाइज टाइम बचाने के लिए। तो फिलहाल गाइज यहाँ पे देखते हैं कि मेरा यहाँ पे फोटो वगैरह ऐड हो चुका है, तो फोटो वगैरह ऐड पूरा कंप्लीट हो जाएगा गाइज। इसके बाद आपको यहाँ पे करना क्या होगा, चलिए मैं वो आपको बता देता हूँ फटाफट से। ठीक है, तो आप लोग भी फोटो जैसे ही ऐड कर लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग जो है फोटो में इफेक्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इफेक्ट कैसे अप्लाई करेंगे गाइज, इसके लिए आपको जाना है बैक, और आपको होली प्रीसेट से एक इफेक्ट का आपको एक इफेक्ट मिल जाएगा ये वाला, तो इसको आपको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, सो गाइज फर्स्ट इफेक्ट को आपको यहाँ पे सबसे फर्स्ट में जो रहेगा पहला आपको इफेक्ट पे क्लिक करना है। इफेक्ट्स में जाना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है, आपको बैक जाना है गाइज, और उसे बीट मार्क में जाना है। ठीक है, बीट मार्क में जाने के बाद गाइज आपको करना क्या होगा, फर्स्ट यहाँ पे जो इमेज है इस पर इफेक्ट में क्लिक करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, देन गाइज आपको आगे भी इमेज जो भी है, मतलब मॉडल वीडियो से पीछे जितना भी इमेज है सभी में आपको इफेक्ट वन आपको अप्लाई कर देना है। जैसे कि दोस्तों अभी देखते हैं यहाँ पे दो इमेज में हो चुका है, अभी आपको तीसरा इमेज पे भी क्लिक करना है, इफेक्ट्स में जाना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट कर देना है। ठीक है, इसी प्रकार से गाइज आपको यहाँ पे देख सकते हैं इस पर भी थ्री डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, देन गाइज यहाँ पे देखते हैं मॉडल वीडियो हमारा 8 सेकंड से शुरू होता है, तो यहाँ तक आपको इफेक्ट वन ही अप्लाई करना है सभी इमेज में। ठीक है, इसके बाद आपको जाना है बैक, बैक करने के बाद गाइज फिर से आपको जाना है सेक इफेक्ट में, और अभी गाइज आपको करना क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं इफेक्ट टू आपको मिलेगा फ्लिकर वाला। ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक करना है, इफेक्ट्स में जाना है एंड थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है, आपको फिर से जाना है गाइज बीट मार्क में। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए चलते हैं बीट मार्क, तो बीट मार्क में जैसे आएंगे गाइज आपको जाना है वीडियो मॉडल वीडियो के आगे जाना है। ठीक है, जैसे कि चलिए मैं यहाँ पे ढूंढ लेता हूँ, तो यहाँ पे गाइज देखते हैं वीडियो यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इफेक्ट टू आप लोग यहाँ पे देखते हैं नीचे मैंने टैग भी दे के रखा है,
तो इसमें गाइज इफेक्ट टू जो लिखा हुआ है ना, तो इसके ऊपर वाले इमेज पे आपको जो इफेक्ट टू अप्लाई करना है, जैसे कि इस इमेज पे, ठीक है। तो इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सो गाइज यहाँ पे इफेक्ट टू सिर्फ दो ही इमेज में यहाँ पे अप्लाई होगा। तो नीचे आपको खोजना, देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको इफेक्ट टू मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको ऊपर जाना है और उस इमेज में यहाँ पे जो है गाइज पेस्ट कर देना है इफेक्ट टू, ठीक है। सो ये रहा गाइज इमेज, तो इस इमेज में यहाँ पे इफेक्ट में जाकर यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सो यहाँ पे देखते हैं, अगर आपको साइज इधर उधर करना है तो इसके लिए गाइज आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है और साइज इधर उधर आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे गाइज देखते हैं, इफेक्ट टू आपको सिर्फ दो ही इमेज में अप्लाई करना है, देन आपको बैक कर लेना है, सेक इफेक्ट में जाना है गाइज। अभी इफेक्ट वन और इफेक्ट टू का काम हो गया है ख़त्म, आपको इफेक्ट थ्री पे आना है। थ्री डॉट पे क्लिक करना है यहाँ पे और यहाँ से कॉपी इफेक्ट कर लेना है। फिर गाइज आपको जाना है बैक, बैक जाने के बाद बीट मार्क में जाना है वापस से, और अभी भी आपको जो है मॉडल वीडियो के आगे जाना है, ठीक है। इसके आगे जैसे जाएंगे गाइज यहाँ पे, इसमें देखते हैं इफेक्ट टू अप्लाई हुआ है, तो यहाँ पे छोटे लेंथ का जितना भी इमेज मिलेगा, जैसे कि ये सब रहा गाइज, तो जितना भी छोटे लेंथ का इमेज है सभी में आपको इफेक्ट थ्री पेस्ट करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने पेस्ट कर दिया इसमें, फिर गाइज इसमें भी आपको इफेक्ट में जाना है, यहाँ पे इफेक्ट थ्री पेस्ट कर देना है। सो इसी प्रकार से देखते हैं, दो में मैंने पेस्ट किया, ये थोड़ा बड़े लेंथ का, इसको छोड़ देना है। फिर से गाइज यहाँ पे छोटा जो लेंथ का है इसमें आपको क्लिक करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। फिर से गाइज इसका साइज थोड़ा बड़ा है तो इसको छोड़ देना है, और छोटे वाले ड्यूरेशन जो है गाइज इसमें आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। सो फिर से गाइज यहाँ पे इसको भी छोड़ देना है और इसमें गाइज आपको पेस्ट कर देना है इस प्रकार से। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो इसमें गाइज यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। इस प्रकार से गाइज देखते हैं, इसका भी लेंथ बड़ा, इसको छोड़ देना है, और यहाँ पे हो गया गाइज फ्लिकर, ठीक है। फ्लिकर का जो इफेक्ट टू अप्लाई किए थे यहीं तक आपको 20 सेकंड तक ही ये वाला इफेक्ट थ्री पेस्ट करना है, फिर आपको बैक कर लेना है। बैक करने के बाद गाइज आपको फिर से जाना है सेक इफेक्ट में, और अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग वीडियो को थोड़ा बैक करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इफेक्ट थ्री तक हो गया गाइज, अभी आपको इफेक्ट फोर पे क्लिक करना है, यहाँ पे इफेक्ट्स में जाना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है। फिर आपको जाना है बैक गाइज, फिर से जाना है बिट मार्क में, और आपको फिर से जाना है गाइज यहाँ पे, ये रहा गाइज वीडियो, ठीक है। मॉडल वीडियो के आगे जितने भी अभी बड़े लेंथ का इमेज है गाइज यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा बड़ा ड्यूरेशन का वीडियो इमेज, तो इसमें आपको इफेक्ट फोर अप्लाई करना है, जैसे कि इसमें गाइज थ्री डॉट पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। सो ये सब में गाइज पहले ही पेस्ट हो चुका है, जो बड़ा लेंथ का थोड़ा है इमेज उसमें आपको ये वाला पेस्ट कर देना है इस प्रकार से। सो गाइज और एक यहाँ पे इमेज है, इसमें भी आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है इस प्रकार से। यहाँ पे और एक इमेज है, इसमें भी यहाँ पे पेस्ट कर देना है। फिर गाइज इसमें भी यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। इतना पेस्ट जैसे ही करोगे, ये गाइज हो गया फ्लिकर, फ्लिकर हो गया। इससे आगे, यहाँ से आगे आपको एक ही इफेक्ट सभी में अप्लाई करना है। इसके लिए आपको जाना है फिर से गाइज ओनली प्रीसेट्स एक इफेक्ट में, और यहाँ पे इफेक्ट फाइव आपको लास्ट में मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। इफेक्ट्स में जाना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है, और अभी आपको फिर से बिट मार्क में जाना है दोस्तों, और यहाँ तक आपको आ जाना है 20 सेकंड तक, ठीक है। सो ये रहा गाइज फ्लिकर, फ्लिकर के आगे जितने भी इमेज है सभी में आपको इफेक्ट फाइव का जो है अप्लाई कर देना है। जैसे कि चलिए मैं सभी में कर लेता हूँ, फिर मैं आपको मिलता हूँ वीडियो में। सो गाइज यहाँ पे जैसे लास्ट का एक बचा है, इसमें भी मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इफेक्ट सभी में अप्लाई हो चुका है, तो अभी आपको आना है गाइज यहाँ पे मॉडल जो वीडियो हम लोगों ने ऐड किया था वहाँ पे आपको आना है, ठीक है। तो जैसे कि गाइज यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा वीडियो, ठीक है। तो वीडियो में आने के बाद गाइज इसके पीछे का जो एक इफेक्ट है गाइज, इस इफेक्ट पे आपको क्लिक करना है, इफेक्ट्स में जाना है, थ्री डॉट एंड कॉपी इफेक्ट कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद गाइज आपको वीडियो में आना है और यहाँ पे इफेक्ट पे क्लिक करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद गाइज यहाँ पे सिर्फ आपको तीन चीज़ें रहने देना है, बाकी सभी को डिलीट कर देना है, ठीक है। जैसे कि इसको भी डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं, और टाइल्स को भी डिलीट कर देना। सिर्फ चैनल रीमैप आरजीबी का जो है इसको आपको रहने देना है, और एक्सपोजर को भी यहाँ पे डिलीट कर देना है, और सेचुरेशन और ब्राइटनेस, ये सारे तीनों चीज़ों को आपको रहने देना है, बाकी को यहाँ पे इफेक्ट को रिमूव कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वीडियो का इफेक्ट कुछ इस प्रकार से आएगा। सो गाइज इतना कुछ हो जाने के बाद अभी आपको आ जाना है स्टार्टिंग में। तो आपको स्टार्टिंग में आना गाइज, आपको ऑल मटेरियल के लिंक वैसे भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा। प्लस बटन पे क्लिक करना है, यहाँ से गाइज आपको एक इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो मीडिया पे जाना है और यहाँ पे देखते गाइज ये वाला इफेक्ट आपको यहाँ पे इंसर्ट कर लेना है, ठीक है, होली वाला। तो इसको गाइज यहाँ पे आने के बाद करना क्या होगा, आपको वीडियो पे क्लिक
क्लिक करना है, यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखते हैं फिल कंपोजिशन एरिया के नीचे स्ट्रेच टू कंपोजिशन एरिया पे क्लिक कर देना है, ठीक है। करने के बाद यहाँ पे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है, इस ऑप्शन पे क्लिक करके इसको थोड़ा गाइस इंक्रीज कर देना है इस प्रकार से, ठीक है। मतलब इतना आपको करना है ताकि यहाँ पे होली का इफेक्ट जो है सही से दिखे, ठीक है। तो इतना आपको कर देना है। करने के बाद आपको बैक कर लेना है। बैक जैसे ही करेंगे गाइस आपको करना क्या होगा, इसको लास्ट तक लेके जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस आपको देख लेना है कहाँ तक है हमारा स्टेटस, ठीक है। तो ये रहा गाइस बिट मार्क और ये रहा इमेज, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा जो है स्टेटस है, तो आगे का पार्ट ड्रीम कर देना है इसका, ठीक है। उसके बाद आपको फिर से स्टार्टिंग में आओ, स्टार्टिंग में आने के बाद करना क्या हुआ, इसका जो ब्लैक बैकग्राउंड है इसको हमें रिमूव करना है, ठीक है। इसके लिए आपको वीडियो पे क्लिक करना है, यहाँ पे ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे गाइस देखते हैं आपको ऑप्शन मिलेगा नॉर्मल के, डार्क एंड और लाइट एंड, लाइट एंड पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे स्क्रीन कर देना है, स्क्रीन करते हैं यहाँ पे गाइस ब्लैक स्क्रीन रिमूव हो जाएगा, ठीक है। सो इतना हो जाने के बाद अभी आपको फिर से स्टार्टिंग में आ जाना है, यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, इसका भी डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। तो ये वाला गाइस आपको शैडो यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। करने के बाद यहाँ पे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है गाइस, इसका भी साइज यहाँ पे आपको इंक्रीज कर देना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ पे हमें रखना है। तो उसके बाद आपको बैक कर लेना है। बैक करने के बाद गाइस आपको करना क्या होगा, इसका कलर चेंज करना है, ठीक है। इसके लिए आपको इफेक्ट में जाना है, यहाँ पे ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है RGB, ठीक है। तो यहाँ पे चैनल रीमेप RGB आएगा, तो इसको यहाँ पे अप्लाई करना है, इसका कलर हमें चेंज करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, RGB जो रहेगा इसको 1 एंड दोनों को 1 कर देना है, और यहाँ पे गाइस जो B रहेगा गाइस यानी कि ब्लू, तो इसको आपको यहाँ पे जो भी कलर आप लोग रखना चाहते हैं वो कलर यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग रेड रखना चाहते हैं तो यहाँ पे जो ग्रे, तो यहाँ पे जो ग्रीन है गाइस इसको आपको B, और अगर आप लोग रेड रखना चाहते हैं तो गाइस यहाँ पे जो G है यानी कि ग्रीन, तो इसको आपको 1 से Y पे कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे रेड हो जाएगा, तो चलिए फिलहाल मैं रेड ही कर लेता हूँ। इसको करने के बाद गाइस आपको करना क्या होगा, आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद हमें जो PNG हम लोगों ने अभी जो लगाया इसको गाइस आपको यहाँ पे क्लिक करके रखना है, इसको नीचे ले आना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं इफेक्ट अच्छा आएगा। तो इतना हो जाने के बाद गाइस अभी आपको फिर से स्टार्टिंग में आना है, यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, यहाँ पे मीडिया पे जाना है, यहाँ पे आपको और एक PNG यहाँ पे ऐड करना होगा, ठीक है। तो इस PNG का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये वाला, तो इसको यहाँ पे क्लिक करना है ब्लैक PNG, और इसको गाइस इस तरह से आपको नीचे ले आना है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये है कि हमारा जो होली का टेक्स्ट है गाइस ये देखने में अच्छा लगेगा, और इसको गाइस यहाँ पे थोड़ा सा साइज आपको इंक्रीज कर देना है, देन आपको बैक कर लेना है। इतना कुछ करने के बाद गाइस आपको आ जाना है एकदम से लास्ट में, ठीक है। लास्ट में आने के बाद हम लोगों ने जो यहाँ पे 2 PNG लगाया, दोनों को इस बटन पे क्लिक करना है, लास्ट तक एक्सटेंड कर लेना है, जैसे कि ये रहा गाइस और एक यहाँ पे शैडो है, तो दोनों को यहाँ पे लास्ट तक एक्सटेंड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस लास्ट तक एक्सटेंड जैसे ही कर दोगे तो उसके बाद आपको फिर से स्टार्टिंग में आना है, और हम लोगों ने जो यहाँ पे शैडो लगाया गाइस इस पर आपको क्लिक करके रखना है, इसको नीचे कर देना है, होली का टेक्स्ट ऊपर कर देना है, ठीक है। तो फाइनल गाइस यहाँ पे देखते हैं लुकिंग कितना ही गजब का यहाँ पे स्टेटस बन के रेडी है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो इसी तरह का और वीडियो बनना चाहते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।